मीना पाशा, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। एक तो काजी फ़ायज़ीसा साहब की एक्सटेंशन की खबर बहुत गर्म है। वैसे ये कोई ऐसी नई खबर नहीं है, थ्रू आउट जब से ये हुकूमत बनी है उसके बाद से ही ये खबर गर्दिश कर रही थी। लेकिन पहले मैं एक खुशफहमी का शिकार थी, वो ये कि इस हुकूमत के पास तमाम तर चीज़ें करके भी 2/3 मेजॉरिटी नहीं बन सकी, और 2/3 मेजॉरिटी ना होने की वजह से आइनी तरमीम नहीं हो सकेगी, और काजी फ़ायज़ ईसा साहब या कोई भी आगे आने वाले जज को जो एक्सटेंशन देने का मामला है वो नहीं आगे चल सकेगा। लेकिन यहाँ पर जो हमारा तज्ज़िया है वो गलत साबित हुआ, क्योंकि हमारा तज्ज़िया जहाँ पे ख़त्म होता है वहाँ से लोगों का घटियापन शुरू होता है, तो इसलिए हमारा तज्ज़िया गलत भी साबित हो जाता है। तो बहरहाल जो पीटीआई की मखसूस नशस्तें छीन कर दूसरी जमातों में बांटी गई उसके बाद अब जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास नंबर पूरे कर दिए गए हैं कि वो 2/3 मेजॉरिटी के ज़रिए एक आइनी तरमीम कर सके, जिसकी वजह से जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब का टेन्योर है एज चीफ जस्टिस उसको भी बढ़ाया जा सकता है, और फिर आने वाले जजेस में भी बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीज़ें हैं जिसके असरात पड़ सकते हैं इस तरमीम के उनके चीफ जस्टिस बनने या ना बनने के ऊपर। तो इसके ऊपर भी मैं आपको तफसील से सारी बात समझाती हूँ। इसके साथ साथ जनाब ये खबर जो आपके सामने आ चुकी है, कल रात से तसद्दुक़ जिलानी साहब की सरबराही में जो कमीशन बनाया है उसके ऊपर तकरीबन बाय एंड लार्ज सभी उसको मुस्तरद कर रहे हैं, सिवाय पाकिस्तान बार काउंसिल के, सिवाय जो हुकूमती इत्तेहाद है उनकी जानिब से। और उनमें से भी आप देखें तो पीएमएलएन जरा पेशपेश है, पीपल्स पार्टी या एमक्यूएम की तरफ से कोई ऐसी खास स्टेटमेंट नहीं आया। एमक्यूएम तो वैसे ही बिल्कुल मंजर से गायब है। मतलब वैसे एक बात है कि पीएमएलएन की निस्बत एमक्यूएम में फिर भी इतनी शर्म और इतनी हया जरूर बाकी है कि अगर उन्होंने जाली सीटें ली हुई हैं तो उछल उछल के आके पक्के मुंह बना के कॉन्फिडेंस के साथ ये तो नहीं कर रहे कम से कम के हर बात पे आके सीना चौड़ा कर करके बयान दाग रहे हो कि जैसे बड़ा कोई अवामी मैंडेट लेके आए हैं। तो उन्हें पता है कि वो जाली मैंडेट के ऊपर बैठे हुए हैं, तो कम से कम मुंह छुपा के अपने घरों में बैठे हुए हैं आराम से, तो कम से कम इतनी तो इंसान में गट्स होने चाहिए। लेकिन हमारी सीनियर जो जमातें उनमें वो भी माशाल्लाह से नापैद हैं। तो बहरहाल कहना मैं ये चाह रही थी कि हुकूमती इत्तेहाद और पाकिस्तान बार काउंसिल के अलावा और किसी को कोई खास मैंने नहीं देखा ऐसा स्टेटमेंट जो इस कमीशन के हक में आया हो और टाउट सहाफियों के अलावा। बाकी जनरली अगर आप देखें तो इसको सब मुस्तरद करें, और इसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है आपके साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ। इसके साथ साथ जनाब एक दो तीन अहम खबरें हैं जो कि ज़रा सियासत से उस तरह से जुड़ी हुई नहीं है, उनके ऊपर भी बात करेंगे। शेर अफजल मरवत साहब ने सोशल मीडिया जो अपना अलग बनाने की बात की उसके ऊपर भी काफ़ी तनकीद शुरू हो गई। ये सियासत से जुड़ी खबर आपको दूंगी, लेकिन उसके बाद बाबर आजम की दोबारा से कैप्टनसी में वापसी, फिर वसीतुल्लाह खान साहब ने बीबीसी छोड़ दिया, और उसके साथ साथ एक अफसोसनाक वाकया जो बच्चे के साथ मदरसे में बदफेली का था उसके हवाले से बड़ा अजीबोगरीब जो सामने मंजर आ रहा है वो भी आपके साथ कुछ डिस्कस करेंगे, और बात करेंगे गजा के लिए इस जमात इस्लामी की कोशिश के हवाले से भी। तो ये सब कुछ आज के वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले जी चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन की खबर कल रात से फैली हुई है, और इस खबर के हवाले से काफ़ी ज़्यादा शोर मच रहा था, क्योंकि ARY की तरफ से वैसे तो अनऑफिशियली तो ये बहुत खबर र्यूमर इसकी थी और सारे ही साफी इस पर बात कर रहे थे, मुख्तलिफ वीलॉग्स में भी बात होती रही, लेकिन ऑफिशियली अब ऐसा लग रहा है कि उसके ऊपर कोई काम शुरू हो चुका है, और ARY ने ये खबर दी कि उसका बाकायदा एक मुसविदा तैयार किया जा रहा है जिसमें यह तय किया जा रहा है कि कोई भी आइंदा चीफ जस्टिस बनेगा समेत इन चीफ जस्टिस के, तो उनकी जो मुद्दत मुलाजमत है उसको 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाएगा, जैसे कि पहले कभी आर्मी चीफ की भी हुआ करती है, लेकिन यह अलग बात है कि किसी भी आर्मी चीफ का दिल ही नहीं करता 3 साल बाद जाने को, तो हर कोई एक्सटेंशन की लालच में पड़ जाता है। तो ऐसी ही कुछ सूरत हाल अब चीफ जस्टिस साहिबान के लिए भी कर दी गई है। उसकी वजह यह है कि पहले एक उम्र की हद यानी तयशुदा थी, मुतय्यन थी, और मेरे ख्याल है वो 62 साल है कि 62 साल के अगर आप हो जाते हैं और आप चीफ जस्टिस होते हैं तो भले आपने कितनी भी देर काम किया हो फिर 62 साल के बाद आप रिटायर हो जाते हैं और अगला जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसकी बारी आ जाती है। लेकिन मैं हमेशा इस बात की हामी रही कि इवन
यानी जो आर्मी चीफ है उसके लिए भी ये अमेंडमेंट कर देनी चाहिए कि ये 3 साल का या इस तरह का टेन्योर रखने के बजाय इसको सीनियर, और ये जो आता है कि जी 5-6 आर्मी चीफ्स के लिए नाम आ जाते हैं, लिस्ट आ जाती है और उनमें से आप पिक एंड चूज कर लें। और अक्सर हमने फिर देखा कि मुख्तलिफ वज़राए आज़मों ने क्या किया कि नीचे से कोई जूनियर बंदा उठा के उसको आर्मी चीफ बना दिया या इस तरह से, तो वो हमेशा एक नया उसके ऊपर क्योस शुरू हो जाता था कि कोई ये शक करने लगता था कि कोई तीसरे चौथे नंबर का जूनियर जर्नैल जो भी आर्मी चीफ बनना चाहता है वो हो सकता है वजीर आजम के साथ कोई ऐसी कमिटमेंट्स कर ले आर्मी चीफ बनने की लालच में। तो इस तरह की चीज़ें एक अजीब व गरीब किस्म की पोलिटिसाइज कर देती थी मामले को। लेकिन उससे बेहतर यह है कि एक ही कानून तय हो जाए कि भाई जिस जो सीनियर मोस्ट है वो आर्मी चीफ बन जाएगा, या इस टाइप की कोई भी और कानून साजी हो सकती है जिससे ये तनाज़ा हल हो जाए। तो मैं तो ये बात किया करती थी, यहाँ उल्टी गंगा बह गई और अब सूरत हाल ये बन गई है कि जी चीफ जस्टिस साहिबान के हवाले से भी उन्होंने ये एक्सटेंशनों का चक्कर डाल दिया है। और अब ये खबर आ रही है कि जनाब इस तरीके की तरमीम करके आर्मी ये काजी फैज साहब को 3 साल के लिए चीफ जस्टिस बना दिया जाएगा। और उसके बाद फिर उससे होगा क्या? उसके बाद होगा ये कि जो अगले चीफ जस्टिस साहब होंगे वो चीफ जस्टिस बनेंगे, लेकिन फिर इस तरह से अगर वो 3 साल मजीद चीफ जस्टिस रहते हैं तो उस सूरत में जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को चीफ जस्टिस बनने का मौका ही नहीं मिलेगा। उनकी अपॉइंटमेंट से एज चीफ जस्टिस उनकी अपॉइंटमेंट से पहले ही वो रिटायर हो जाएंगे। इसी तरह से जस्टिस आयशा मलिक साहिबा ये भी चीफ जस्टिस नहीं बन पाएंगी और उनको भी रिटायर होना पहले पड़ जाएगा और चीफ जस्टिस बनने की बारी ही नहीं आएगी। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग टर्म प्लान के तहत ये सारा कुछ किया जा रहा है कि जिसमें ये खदशा है कि कुछ ऐसे जजेस जो कि ज़रा एक मुख्तलिफ आरा रखते हैं, अपनी एक मुख्तलिफ किस्म की राय रखते हैं, उनको जैसे एक तरफ आप लगा रहे हैं और कुछ और हम ख्याल जजेस को आप प्रमोट कर रहे हैं और उनके लिए बाकायदा ये सहूलतकारी की जा रही है कि वो 3-3 साल बेफिक्र होकर चीफ जस्टिस बनकर बैठे रहें। तो बहरहाल जी ये सारी खबर तो आई है, अब इसके ऊपर रिएक्शन भी आना शुरू हो गया है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन होना नहीं चाहिए, इसको रोकना कैसे, इसका प्लान किसी के पास नजर नहीं आता। क्योंकि अगर पार्लियामेंट में हुकूमत के पास मुकम्मल अददी अक्सरियत हो, 2/3 अक्सरियत हो, तो वो आराम से ये तरमीम कर सकती है और इसको कोई रोक भी नहीं सकता। जाहिर है पार्लियामेंट को कोई कानून साजी से रोक नहीं सकता, सिवाय इसके कि वकला की कोई तहरीक खड़ी हो जाए और वो इतना प्रेशर बिल्ड कर दें हुकूमत के ऊपर कि उन्हें इस तरह की किसी भी तरमीम से बाज रखा जाए। लेकिन अदरवाइज ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है बज़ाहिर के जिसमें पार्लियामेंट को कानून साजी से रोका जा सके। इवन कोई पिटिशन भी मेरा ख्याल ऐसी नहीं दायर की जा सकती कि कोई आने वाली कानून साजी के हवाले से पहले से कोई रोका जा सके। तो बज़ाहिर मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई रुकावट है, अगर ये नियत हो चुकी है और इस पर काम हो चुका है। लेकिन इसके ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ ये कि इसके ऊपर एजिटेशन किस हद तक होती है, ये एक सबसे बड़ा इसमें मसला हो सकता है। अदरवाइज कोई इसमें ख़ास मसला नहीं है। और यकीनी तौर पर PTI के लिए और बहुत सारे और ऐसे लोग जो अब चीफ जस्टिस काजी फैज साहब के हवाले से खुल के बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जी अब हमने उनकी असलियत देख ली है, उनका असल चेहरा सामने आ चुका है और पता चल चुका है कि उन्होंने कैसे अदलिया की आज़ादी को टोटली आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के अंडर कर दिया है, हुकूमत के अंडर कर दिया है। तो अब वो खुल के ये बातें जो कर रहे हैं उनके लिए अब ये ज़ाहिर तकलीफ दे बात है कि एक ऐसे शख्सियत जो है वो मजीद बराजमान रहेंगे सौदे के ऊपर। तो अब सबको इस बात की फिर पेन हो रही है कि काजी फैज साहब की ये एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगेन वही बात कि इसके ऊपर कोई किसी के पास लाहेबल नहीं है कि इसको अगर रोकना है तो कैसे रोकना है। अब आ जाते हैं जी जो जिलानी साहब की सरबराही में कमीशन बना है उसके ऊपर मुख्तलिफ लोगों की राय आ रही है। PTI ने मुस्तरद किया है मुख्तलिफ बार्स की तरफ से, बलूचिस्तान हाईकोर्ट बार की तरफ से, लाहौर हाईकोर्ट बार की तरफ से उसके ऊपर तहफ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और अदम एतमाद किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान बार काउंसिल ने कहा कि जी ठीक बन गया, बल्कि उल्टा उनकी तरफ से तो ऐसा लग रहा है कि वो 6 जजेस के पीछे पड़ गए हैं, जनाब इनके खिलाफ कार्रवाई करो, ये बोले क्यों। और इसके साथ साथ इंटरेस्टिंग बात यह कि 300 बड़े सीनियर वकला हैं उनकी तरफ से एक इलामिया जारी किया गया है, पब्लिक स्टेटमेंट जारी की गई है। और इस इलामिये में ना सिर्फ इस यकरुकनी कमीशन को मुस्तरद किया गया बल्कि इसके साथ साथ ही मुतालबा किया गया है कि इसमें बाकायदा एक बड़ा बेंच बनाकर, फुल कोर्ट चाहे बेंच बनाकर या लार्जर बेंच बनाकर, जो खुद चीफ जस्टिस साहिबान हैं या जो यानी सुप्रीम कोर्ट के बाकी जज साहिबान हैं
वो इसको बाकायदा हियर करें, इसको बाकायदा सुने, समाप्त करें इसकी पिटिशन की तरह। तो ये जो अब सारा मामला है इसके ऊपर 300 वकला का इस तरह से पब्लिक स्टेटमेंट देना बहरहाल एक मायने रखता है। और सबसे ज़्यादा उसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि खुद तसद्दुक जिलानी साहब के जो साहबजादे हैं वो भी इस पिटिशन का हिस्सा है इंटरेस्टिंगली, तो वो भी इसके सिग्नेटरी हैं और उन्होंने भी इस पर दस्तखत किए। तो यानी घर वाले भी इवन मुतमईन नहीं है कि अब्बा जान आप कौन से काम में पड़ गए हैं। तो ये वाली सूरत हाल हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। ये इतना एक बुरा फेल है कि जिसके ऊपर सब ही लान तान कर रहे हैं, खुद तसद्दुक जिलानी के साहबजादे भी कह रहे हैं कि ये दुरुस्त तरीका अपनाया नहीं गया 6 जजेस के मसले मसाइल हल करने के लिए। और उल्टा उन्होंने ये बात की, मैं मतीउल्ला जान साहब को सुन रही थी, हसनाद मलिक साहब को सुन रही थी, साकिब बशीर साहब को सुन रही थी, जितने सीनियर कोर्ट रिपोर्टर्स हैं आप उनको सुने, तो सब एक ही बात ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। असद अली तूर को मैं सुन रही थी, ये सब वो हैं जो काजी फाइजी साहब के करीब समझे जाते थे। लेकिन अब सूरत हाल ये कि ये सब उल्टा इनके बारे में ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने जिस बुरी तरह अतलिया की आज़ादी को सरेंडर किया है इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। बल्कि जिन जज साहिबान पर ये तनकीद किया करते थे, साकिब निसार, गुलजार साहब और खोसा साहब, अब वो समझते हैं कि काजी फ़ायज़ ईसा साहब उनको भी पीछे छोड़ गए हैं। और उन्होंने जो सहूलतकारी की है इस्टेब्लिशमेंट की, हुकूमत की, ऐसी सहूलतकारी इससे पहले किसी चीफ जस्टिस ने नहीं की। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब को बहुत मुबारक हो, बड़ी नेकनामी कमा रहे हैं। अब आगे आ जाते हैं जी, बात करते हैं शेर अफजल मरवत साहब ने अनाउंस किया एक दिन पहले कि वो अपना अलग सोशल मीडिया बनाना चाह रहे हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी वो तमाम लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं वो अलग अपने नंबर्स वगैरह जो हैं वो शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाएंगे और अलग से पूरा एक सेटअप बनाएंगे हम सोशल मीडिया का। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जी चूंकि पार्टी मुझे सपोर्ट नहीं करती बल्कि उल्टा मेरे खिलाफ कैंपेन रखती है, तो मैं इसलिए अपना एक सोशल मीडिया बनाना चाह रहा हूँ। तो ये वो एक चीज़ थी जिसने ठीक ठाक किस्म का उन्हें जिसको कहते हैं ना कि बाकी सोशल मीडिया जो था पीटीआई को उसको ठीक ठाक तकलीफ पहुंचाई। और फिर उन्होंने खूब क्लास ली शेर अफजल मरवत साहब की और उन्होंने कहा कि ये तो तकसीम करने के मुतरादिफ बात है, सोशल मीडिया वो स्ट्रेंथ है पीटीआई की जिसको पूरी रियासती ताकत अपने हर हरबे के आजमाने के बावजूद भी तोड़ नहीं सकी। और अब आप आ गए यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए कि जी हाँ जी जो मुझे सपोर्ट करते हैं उधर आ जाए, जो मुझे नहीं सपोर्ट करते उधर चले जाएं। तो इस तरह अगर हर लीडर करना शुरू हो गया तो फिर सोशल मीडिया की स्ट्रेंथ तो टूट जाएगी, सब अपने अपने सोशल मीडिया के अलग अलग ग्रुप्स बना के बैठ जाएंगे। तो इस चीज़ को सबने फिर लार्जली कंडेम किया और कहा कि इस तरह का कोई मामला नहीं होना चाहिए। प्लस जो नंबर वगैरह शेयर करना है ये तो वैसे भी साइबर सिक्योरिटी के जिम्मे में बड़ा ख़तरनाक हो जाएगा और सबके नंबर्स जो हैं वो अगर इस तरह लोगों के पास चले गए तो इनको तो पकड़ना, इनको ट्रेस करना इन हालात में तो कोई मुश्किल ही नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ को भी सब ने डिस्करेज किया और साथ में शेर अफजल मरवत साहब की भी ठीक ठाक क्लास ली गई और उन्हें भी कहा गया कि भाई आप इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं ये साफ आपकी नीयत पर जो पहले ही शकूक व शुबहात है हमें उनमें मजीद इजाफा ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तो शेर अफजल मरवत साहब ने भी आज एक बड़ा जज्बाती से मैसेज लिखा और कहा कि जी मैंने इसीलिए सोशल मीडिया अपना बनाना था कि आप लोगों ने मुझे जिस तरह से साइडलाइन किया और मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा और मैं तो खान का ही मैसेज लोगों तक पहुंचा रहा हूं। भाई खान का मैसेज तो बाकी सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुंच रहा है, तो खैर मैं तो जी खान का मैसेज नहीं पहुंचा पा रहा था अपने थ्रू, तो इसलिए मैं अपना सोशल मीडिया बना रहा हूं। और देखिए जी फिर उन्होंने कुछ बातें की जिनमें वजन भी है। उन्होंने कहा कि जी इमरान खान ने 3-4 फैसले अहम किए थे लेकिन उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। उन्होंने जलसे जुलूस का शेड्यूल बनाने के लिए कहा था पंजाब में भी, बाकी जगहों पर किसने बनाए। उन्होंने वीडियोज बनाने के लिए कहा था कि मुख्तलिफ वर्कर्स जो रिहा हो रहे हैं उनके साथ क्या कुछ हुआ है, उन्होंने कहा कि उसके ऊपर वीडियो बना के जारी करें, किसी ने नहीं की। फिर इसी तरह उन्होंने कहा कि जो इस्लामाबाद का जलसा है पहले 23 मार्च को करना था, फिर 30 मार्च को करना था, फिर 6 अप्रैल को मुलतवी कर दिया गया और अब ये सिलसिला जारी है, पता नहीं इन्होंने करना है या नहीं करना। तो अभी तक ये कोई तहरीक नहीं चलाने में इंटरेस्टेड लग रहे, तो खान के हुक्म पर अमल नहीं हो रहा। तो ये सब करने के लिए मुझे एक सपोर्ट चाहिए और उस सपोर्ट के लिए मेरा जो पीटीआई का सोशल मीडिया वो मेरा साथ नहीं देता, तो मैं इसलिए अपना सोशल मीडिया बना रहा हूँ। तो शेर अफजल मरवत साहब ने यहाँ पर अपना जहाँ जज्बाती एक दुखड़ा रोया वहाँ पर उन्होंने ये बातें भी कुछ ठीक की हैं, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर आपके जो भी ये मामलात हैं इसको आप पार्टी के साथ ले गए और उसके साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप अकेले कहेंगे जी मैं अकेले निकल पड़ा तो फिर अगर पार्टी के पीछे आपको सपोर्ट नहीं होगी, सोशल मीडिया डिवाइड होगा तो उससे पार्टी को भी उल्टा नुकसान होगा और आपके कॉज को भी कोई फायदा नहीं पहुंचेगा। तो हमेशा
अगर किसी चीज़ की जीत हुई है तो वो तो मुत्तहिद रहने में हुई है। अकेले अलग अलग अपनी डेढ़ डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाने से तो कोई इमारत कभी तामीर नहीं हो सकती। लेकिन बहरहाल जी, इस बात के ऊपर शेर अफजल मरवत साहब पे खासी तनकीद का सिलसिला जारी है। अब आ जाते हैं जो दीगर ख़बरें हैं जिन पर आज मुझे बात करनी है। बाबर आजम साहब फिर से कप्तान बन गए हैं और ये अगेन एक जिसको कहते हैं थूका चाटने वाली मुतरादिफ बात है। पहले भी वही कैप्टन थे, लेकिन थोड़ी बहुत अगर परफॉर्मेंस ऊपर नीचे होती है फिर फौरी तौर पर उन पर तनकीद का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला, और उसके बाद शाहीन शाह आफरीदी के लिए एक ज़बरदस्त लॉबिंग और फिर उनको कैप्टन बना दिया जाता है। फिर हाल ही में PSL में जिस बुरी तरह से शाहीन शाह आफरीदी की टीम हारी है, उसके बाद से थ्रू आउट उनके ऊपर काफ़ी तनकीद का सिलसिला जारी था। और फिर उसके बाद हमने देखा कि चूंकि PCB की मैनेजमेंट चेंज हो गई, तो उसके बाद अब दोबारा से बाबर आजम साहब को कप्तान बना दिया मोहसिन नकवी साहब ने। तो बात यह है कि बाबर आजम हो या कोई भी और कैप्टन हो, असल प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम असल ये है कि जिस तरीके से हमने सारा हर इदारा ही पोलिटिसाइज कर दिया, उसी तरह हमने PCB के साथ भी किया, वही हाल हम पाकिस्तानी क्रिकेट का भी कर रहे हैं। तो हर जगह हमारा एक ही तरीका वारदात है कि हम किसी को भी टिक के काम नहीं करने देते और हमेशा लेग पुलिंग करते हैं, लॉबिंग करते हैं, और इस तरीके से हमारे सिलसिले चलते रहते हैं। दूसरा, जो हमारे इदारों के सरबराहान हैं वो हमेशा अपनी सियासी वाबस्तगियों की वजह से कभी आते हैं कभी जाते हैं, और इसी चक्कर में कोई भी इदारे को एक तसलसल नहीं मिलता पॉलिसी का। यही हाल PCB के साथ हुआ। रमीज़ राजा गए जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। भाई अगर इमरान खान की हुकूमत चली भी गई है तो रमीज़ राजा तो एक फॉर्मर क्रिकेटर हैं, अच्छे से चला रहे हैं PCB को, आप उन्हें तो कंटिन्यू करने दें। नहीं, उनको भी निकाल बाहर किया। फिर नजम सेठी आ गए, फिर वो भी उनको जाना पड़ा। फिर जका अशरफ आ गए, फिर कुछ महीने बाद उनकी भी छुट्टी हो गई। अब मोहसिन नकवी साहब आ गए। तो पिछले 2 साल के अरसे में 4 आपने PCB के चेयरमैन बदल दिए। हर चेयरमैन जो है वो अपनी पसंद नापसंद के मुताबिक आके फैसले शुरू कर देता है, तो उसी वजह से अब क्रिकेट टीम का ये हाल हो गया। अजीब व गरीब किस्म के फैसले हो रहे हैं। जो 4-4 साल पुराने लोग रिटायरमेंट लेके चले गए थे, अब सारे वो वापस आ रहे हैं। और कप्तानी किसको देनी है नहीं देनी, अब भाई आपने बाबर आजम को दोबारा कप्तान बना दिया, बहुत अच्छा किया। लेकिन अगेन वही बात है कि आपने एक म्यूजिकल चेयर बना दी कैप्टनसी। अब वो एक ग्रुप बना रहेगा, शाहीन आफरीदी का अलग ग्रुप होगा टीम का, बाबर आजम का अलग ग्रुप होगा टीम में, और वो एक अजीब व गरीब आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, एक अजीब व गरीब किस्म की एक दूसरे को गिराने और टांगे खींचने और नहीं मैं ज़्यादा बेहतर हूँ, नहीं मेरा ग्रुप ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है, ये सिलसिला चलता रहेगा। तो यही तरीका है बेसिकली हर इदारे को तबाह करने का, और वो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुस्तदुल्ला खान साहब ने BBC के लिए आज आर्टिकल लिखा। उन्होंने ये जो जजेस वाला सारा मामला है इसको 9/11 करार दिया है पाकिस्तान की अदालती तारीख का। बहुत बड़ी बात लिखी है। मुस्तदुल्ला खान साहब बहुत ज़बरदस्त लिखते हैं, मुझे बेहद पसंद है। आज उन्होंने एक आखिरी लाइन जो लिखी वो बड़ी हैरान कन थी। उन्होंने बताया कि BBC के लिए वो 2 दहाइयों से लिख रहे हैं, लेकिन अब उनका ये सफ़र इख्तिताम पजीर हो रहा है और आज उनका ये आखिरी कॉलम था BBC के लिए। तो इसके ऊपर थोड़ी तशवीश फैली हुई थी कि शायद वो भी सहाफत को ही खैर बात कह गए हैं या कुछ इस तरह का मामला है, लेकिन असल बात ये नहीं है। वसतुल्ला खान साहब ने सिर्फ BBC के लिए लिखना छोड़ा है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि वो कहीं और काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो डॉन में प्रोग्राम भी करते हैं और इसके अलावा भी जाहिर है वो एक साफ़ी हैं, तो मुख्तलिफ जगहों पर तज़िया वगैरह देने के लिए भी मौजूद होते हैं। तो बाकी वो अपने काम करते रहेंगे, लेकिन BBC के लिए जो उनका सफ़र था वो ख़त्म हुआ। और ये भी बड़े से बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, इतने बड़े इदारे के लिए इतने साल उन्होंने काम किया है। बहरहाल जितना भी काम किया है वसतुल्ला खान साहब ने, बहुत ग्रेट काम किया है। अब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब एक दफ़ा फिर से जनाब इस्लामाबाद के डी चौक में पहुंचे हुए हैं और वहां पर वो गजा के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। ये बंदा हमेशा बड़ी रिस्पेक्ट लेता है। वैसे इन्होंने जितनी देर ये सेनेटर भी रहे, बे इंतहा मैं इनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इन्होंने हमेशा मजलूमों की आवाज़ उठाई और सही हक अदा किया सेनेटर होने का। सिर्फ अहदा इंजॉय करने की बात नहीं होती, असल बात ये कि जब आप वहाँ पर मौजूद हैं तो आपने कितनी आवाज़ उठाई है मजलूमों के लिए, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। और फिर इन्होंने ये कभी नहीं देखा कि पार्टी पॉलिसी क्या है, ये क्या है, वो क्या है। जो हक सच था वो खुल के बात की और खुल के उस चीज़ को हमेशा उन्होंने किसी भी तरह की जो भी जुल्म था कहीं पे भी हुआ उसको कंडेम भी किया। तो उसूली मौकफ पे हमेशा सियासत की, इसलिए हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब वो सेनेटर नहीं रहे, लेकिन बाहर निकलते के साथ ही उन्होंने जो अगर कोई सियासत कर रहे हैं वो, तो वो गजा के ऊपर बात कर रहे हैं। वो गजा के लिए पहले भी रैली निकाल रहे थे इस्लामाबाद में, जब उनके ऊपर और उनकी अहलिया के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिए गए थे और उनकी रैली के ऊपर कारकुनान के ऊपर लाठी चार्ज किया गया था पुलिस की तरफ से। आज फिर वो डी चौक में आए और उन्होंने फिर से गजा के लिए आवाज़ बुलंद की है। तो ये बड़ा ज़रूरी भी है और
शुक्र है कि कुछ तो लोग ऐसे हमारे अंदर मौजूद हैं जो अभी भी इस कॉज के लिए इतना खुल के बात करें। और लास्टली जी, ये एक अफसोसनाक वाक्य चंद दिन पहले पेश आया था, बदफेली का वाक्य है। रोज़े में एक जो कारी हैं अबू बकर मुआविया, उन्होंने एक बच्चे के साथ बदफेली की और फिर उनको रंगे हाथों पकड़ा गया, फिर उनको पुलिस पकड़ के ले गई, उन पर मुकदमा दायर किया गया। लेकिन उसके बाद एक अजीबोगरीब खबर आज ये सामने आई जिसने बड़ा ही हैरान किया। वो खबर ये थी कि जो बच्चे के वालिद हैं उन्होंने आके ये अनाउंस किया कि वो अपने बच्चे के साथ की हुई इस हरकत को पर जो कारी साहब हैं उनको माफ़ कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के लिए। भाई अल्लाह की रज़ा, इस तरह के मामले में क्या अल्लाह ताला इस बात से राज़ी होंगे कि एक बच्चे के साथ जो शख्स बदफेली कर रहा था वो माफ़ कर दिया जाए, इसको सज़ा ना मिले। हैरान कन बात है। और जो उससे ज़्यादा हैरान कन बात थी वो ये थी कि उस वालिद ने ये इंकशाफ किया कि जो अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब हैं, अल्लामा इब्तिसाम ज़हीर साहब, उनके कहने के ऊपर उन्होंने इस बच्चे के साथ बदफेली करने वाले कारी को माफ़ किया है और उन्होंने उन्हें कहा है, रिक्वेस्ट की है कि जी आप माफ़ कर दें। अब ये बड़ी हैरत अंगेज़ बात है, मतलब इस तरह के कभी हरकतों के ऊपर हमारे मुल्क में क्यों इस तरह सख्त सज़ाएँ नहीं दी जाती। और यही वजह है कि ये जो आज हम यहाँ तक पहुँचे हुए हैं ना कि हमारे मुल्क के बच्चे महफूज नहीं हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेजेस हों, चाहे वो मदरसों में, तो खैर और भी ज़्यादा, और गली मोहल्लों में भी यही सूरत हाल, घरों के अंदर रिश्तेदारों के साथ ये सब चीज़ें, ये इतना एक शर्मनाक पहलू है हमारे माशरे का। लेकिन हमारे बच्चे क्यों महफूज नहीं हैं? इसलिए महफूज नहीं हैं कि जो खुद ये लोग, इन जिन लोगों को इसके खिलाफ अवेयरनेस देनी चाहिए या इन लोगों को कटहरों में खड़ा करके सज़ाएँ देनी चाहिए, वो उनको बचाने के लिए आ जाते हैं ऐसे कभी हरकतें करने वाले लोगों के। भाई अगर आप आलिम हैं, और मैं तो आपकी रिस्पेक्ट ही करती हूँ, लेकिन आपने जो आज ये काम किया है, मैं तो सोच में पड़ गई हूँ कि आप कैसे आलिम हैं कि आप एक ऐसे शख्स को बचाने के लिए आ गए हैं कि जिसने इतनी कभी हरकत की है। तो बस इसके बाद बड़ी तकलीफ़ भी हुई है मुझे, और मैं वाकईतन ये समझती हूँ कि इस तरह के जितने भी क्राइम्स हैं उनको खुद रियासत को चाहिए कि उसमें मुद्दई बने, और किसी को उसको माफ़ करने का भी हक नहीं होना चाहिए, और लाजिम कर दें कि उसमें सज़ा होनी है, तभी आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं, वरना ये सिलसिला नहीं रुकने वाला हमारे माशरे में। यहाँ पर तो ये सूरत हाल होगी कि लोग इसको नॉर्मलाइज़ कर देंगे कि भाई ये तो चलो होता ही है जी, मदरसों में तो ये चलता ही है। ऐसा अगर आप ये माहौल बदलना चाहते हैं तो आपको सज़ाएँ देनी पड़ेंगी। अगर ये असर व रसूख की बुनियाद पर माफ़ी तलाफ़ी या दबाव डालकर जो विक्टम्स हैं उनकी फैमिली को माफ़ करवा लिया जाए उनसे ये मुकदमात से, तो फिर ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।